Gurave Gaurachandraya Radhikaya Istadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namona Vanchakal Prabhasya Kripa Sindhu Bhagavata Patitanam Bhavani Prabhasya Namona Brindaya Kulati Devvai Priyaya Kesavasya Krishna Bhakti Pradaya Satyavate Namona Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivakadi Gaur Bhakta Vrinda Vulari Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Pratham Sri Guru Pad Padma Nitalila Prabhishna Vishnu Pada Shudara Satasri Sri Sri Madhu Bhakti Sri Ru Siddhanti Goswami Maharaj Ki Charano Kamalame अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। ये जो ग्रंथ है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद को अलग अलग समय पर अलग अलग भक्तों ने बहुत सारे उन्होंने प्रश्न किया है, तो उन्होंने जो प्रश्न का जो उत्तर दिया है ये ग्रंथ है। कहते श्रील प्रभुपाद राधा रानी के नयन मणि मंजे गए, राधा रानी जीवों का दुख कष्ट को देख करके तो उन्होंने गोलोक वृंदावन से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद को जगत में भेजा, जाओ जीवों को, जीव बड़े दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, उनको उठा करके उनको गोलोक वृंदावन में ले आओ। इसलिए अगर ये उपदेश अगर हम सुनेंगे एक दिन हम जरूर भगवान के पास में हम पहुंच सकते हैं। इसलिए उनका बहुत सारे प्रश्न है, बहुत सारे उत्तर है। आज हम एक दो प्रश्न का उत्तर सुनेंगे। किसने प्रश्न किया, संसार में ये जो दुख कष्ट आ रहे हैं ये क्या भगवान की दया है क्या? संसार में तो कभी दुख कभी सुख कभी सुख कभी दुख पर आता ही है। इसलिए बोले चक्रवर्ती परिवर्तित सुखा नीचे दुखा नीचे, गीता में बताया जैसे चक्र घूमती है ना, कभी संसार में सुख आ जाती है कभी संसार में दुख आ जाते हैं। कह दीजिए संसार में जो कष्ट है ये क्या भगवान की दया क्या है? तो प्रभुपाद उत्तर देते हैं, दया मय रे सभी दया। भगवान का एक नाम है दया निधि। दया निधि नाम क्यों? कहते वो दया की समुद्र है, करुणा सिंधु करुणा की समुद्र है। तो जिसका नाम दया की निधि समुद्र, जो करुणा सिंधु, कहते उनका तो सभी दया ही दया ही है। इसलिए वो कह रहे हैं भगवान का सब कुछ दया है, सब कुछ दया है। इसलिए भगवान जगत में जो कुछ करते हैं जीव का कल्याण के लिए करते हैं। भगवान कभी अमंगल किसका कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर पिता माता बच्चों का कल्याण ही तो सोचता है। कभी भी पिता माता बच्चों का अमंगल कभी सोचता है नहीं। अब वो जगत पिता जगन्नाथ है तो फिर वो हमारी अमंगल कैसे सोच सकते, कभी अमंगल हमारी वो सोच नहीं सकते हैं। इसलिए करुणामय भगवान जहाँ के जखन जेखाने राखे तिनी तखन अम्लान बदनी सेखाने थाकिया भगवानेर पुरस्कार बा तिरस्कार ग्रहण करिवेन। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं भगवान करुणामय है, भगवान करुणामय जिसको जहाँ पर जिस रूप में रखते हैं अम्लान बदन है। अम्लान बदन मतलब होता है दुखी नहीं हो करके, हैं कि दुखी नहीं हो करके वहीं पर रह करके भगवान जो हमें पुरस्कार देते हैं, वह भगवान हमें जो तिरस्कार करते हैं, पुरस्कार तिरस्कार समझते हो, भगवान हमारे लिए जो अच्छे कहते हैं, हाँ जो तिरस्कार मतलब जो गाली देना और कोई दुख कष्ट देते हैं, सबको हमें ग्रहण करनी चाहिए। भगवानेर जावतीय पुरस्कार बा तिरस्कार मंगल रजन बीतय। भगवान हमें जो कभी कभी पुरस्कार भी देते हैं वह कभी तिरस्कार कहते हैं। तिरस्कार मतलब गाली देना, पुरस्कार मतलब इसको पुरस्कार करना है। कहते भगवान जो कुछ कहते हैं वो हमारी मंगल के लिए ही करते हैं, भगवान कभी हमारा अमंगल कर ही नहीं सकते हैं।
इसलिए भगवानेर माया शक्तिर पुरस्कार जिनिसटा आमरा आदर करी आर ताहार तिरस्कार गुली आमादेव के नाना प्रकार जातना दे। तब यहाँ पर कह रहे हैं भगवानेर माया शक्तिर जगत भगवान क्यों बनाया, संसार बनाने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है जब जीव भगवान को भूल गया जी, तब भगवान ने उसको दंड देने के लिए ये संसार रूपी माया बनाया है। संसार भी क्यों बनाया? जब जीव भगवान को भूल गया उसको दंड देने के लिए भगवान ने ये संसार रूपी ये दुर्गा ने ये दुर्ग बनाया है। जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है, बदमाशी करता है, ये जेल क्यों बनाई गई? दुष्ट बदमाशी को लेकर जेल बनाया गया ना। जो जेल होता है वो सुधारने के लिए, जीवों को सुधार करने के लिए, इसलिए जेल भी एक तरह का कल्याणदायी है। जो जेल में जाएगा खाना ठीक से नहीं मिलेगा, पहनना ठीक से नहीं मिलेगा, उसको दुख कष्ट मिलेगा, बोले भैया और चोरी नहीं करेगा और हम चोरी नहीं करेंगे, इतना थोड़ी सू के लिए इतना कष्ट जीती, इतना साल के लिए जेल में बैठना पड़ा, और वो अपने आप सुधर जाता है, वो अपने आप सुधर जाता है। इसलिए जो जेल है वो अच्छे के लिए जेल है और बुरे के लिए जेल नहीं है, जेल भी अच्छा के लिए है। इसलिए यहाँ कहते भगवान ने माया शक्ति जो माया इसलिए बनाए जो जीवों को दंड देने के लिए। जब भगवान भजन नहीं करेगा, जब जीव सृष्टि हुई है हमारे मथुरा में गुरुदेव ने बहुत सुंदर तस्वीर बनाई, वहाँ पर बड़ी सुंदर तस्वीर, उसमें एक तरफ में माया जगत दिखाया और एक तरफ में भगवान का जगत दिखाया, और एक बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, और जिधर माया जगत है उधर एक माया खड़ी है, सुंदरी एक माया लड़की खड़ी है, और उधर दिखा रहे हैं देखो इधर पूरा एकदम अंधकार अंधकार, भालू चीते और वहाँ पर शेर, बड़े भयंकर जानवर, भूत पिशाच, शराब सिगरेट जितने तरह गंदी चीज इस तरफ में चीज रखा हुआ, और जिधर एक साधु खड़ा हुआ है और उधर पूरा प्रकाश प्रकाश दिखाया और रास्ता दिखाया, पूरा पूरा रास्ता गया प्रकाश भगवान ठाकुर तक गया। इसलिए और एक तरफ में एक साधु खड़ा हुआ और एक तरफ में माया खड़ी हुई, और वो बीच में वो आदमी खड़ा हुआ बीच में, माया कहती किधर आ जा, देख कितना सुंदर हम है। उधर जो साधु है बोले देख रहे हो दिखने में तो अच्छी लग रही है माया बड़ी सुंदरी, लेकिन उधर तरफ देख रहे हो क्या अंधकार भूत पिशाच सारे दुख कष्ट उस तरफ पे देख रहे हो, और इधर देखो एकदम प्रकाश प्रकाश है, अगर इधर आओगे ना सीधा ठाकुर जी के पास में चलोगे, इसलिए उधर मत जा इधर आ। एक साधु बुला रहे इधर माया बुला रहे, वो जीव कभी इधर देखता है कभी जीव इधर देखता है, कभी इधर देखता है कभी इधर देखता है, सोचता है कहाँ जाओ कहाँ जाओ, इधर जाओ ना इधर जाओ। कहते बहुत जो दुर्लभ व्यक्ति है वो भगवान की भक्ति का तरफ में आते हैं, जिधर साधु है ना वो सीधा दिखा रहे जा रहे भगवान तक प्रकाश प्रकाश है, लेकिन बहुत विरल व्यक्ति उस तरफ पे जाते हैं। और प्राय करके जो जीव है जानता है दुख कष्ट है, हैं जानता है इसमें दुख कष्ट सबके सब, लेकिन छलांग लगाएगा तो उधर छलांग लगाएगा। इसलिए कहते अति तुच्छ भोग आसे बांधी हुई माया पासे रहिल विकृति जथा दंड जथा अपराधी। तो भक्तिमान ठाकुर कहते हैं अति तुच्छ भोग आसे, संसार का जो भोग है ना अत्यंत तुच्छ भोग है। इसलिए भागवत में बताए जत मैथुनादि गृह में सुखम ही तुच्छम, संसार का जो सुख है वो बहुत तुच्छ है। जैसे उदाहरण जैसे खुजली होता है ना, खुजली तो खुजलाने के लिए थोड़ी समय अच्छी लगती है, उसको बाद में फिर जब खून निकलता है फिर तो दुख है। संसार का जो भोग है स्त्री संसार, थोड़ी समय के लिए संसार का थोड़ी सुख तो मिला, उसको बाद में जैसे संसार में पुत्र परिवार सबके सब हो गए, मरने का थोड़ी समय के लिए स्त्री संग अच्छी लगी, लेकिन मरने से पहले तक उससे नाक में नगल लगा करके जीव को दुख कष्ट देकर भोग कराती, मरने का पहला तक भी ये दुख कष्ट नहीं जाता है। थोड़ी सी सुख मिला, अभी बेटा का शादी नहीं हुआ, बेटी शादी नहीं हुई,
बेटी शादी भी हो गई, इतना कष्ट करके भेज दिया, हर साल में ये चीज भेजो, ससुराल में उसका ये दिक्कत हो गई है, घर में बहू आ गई, नाक दम करके रखी, जब से आई घर को नरक बना दी बहू ने, हाँ नरक बना दी, इसलिए सबके घर में बहू, अभी मेरे घर में बहू ने, सबके घर में बहू प्यार में नुपुर बांध कर चमचम कर घूम रही है, तो हमारे घर में बहू नहीं, बहू नहीं, बहू नहीं, जब बहू आ गई ना, बोले हाय रे भगवान कैसे बहू दे दिया, हाय रे बहू कैसे दे दिया, कहते ये संसार का थोड़ी सुख के लिए जीव मरने का पहले तक भी नाक दम ये नहीं छोड़ती है, दुख कष्ट नहीं छोड़ती है, हैं कितने दुख कष्ट दे देती है, इसलिए यहाँ कह रहे हैं जो माया शक्ति है, इसलिए जीव जानता है संसार में दुख, बोला हाँ एक बार लड्डू खा कर देख ही ले क्या होता है संसार में, इसलिए यहाँ कहते भगवान ने जो माया शक्ति, ये भगवान माया शक्ति बनाएगी जीव को दुख देने के लिए, उसको पता चले संसार में दुख है, अगर ये दुख को देख कर अगर समझ गया ना भैया ठाकुर जी और नहीं बड़ा कष्ट है, अभी तेरा भजन करेंगे, अभी तेरे भक्ति करेंगे, हैं अभी तेरे भक्ति भजन करेंगे, अगर जीव ये चीज को समझ जाता है कहते माया शक्ति का जो पुरस्कार जिनिस टाके अमर आदर करी, ये माया जब संसार में कोई सुख दे देता ना, हमारे भगवान की बड़ी दया है, ठाकुर जी बड़ी हमारे ऊपर में कृपा आ गई, ठाकुर जी बड़ी ठाकुर का आशीर्वाद है, उसमें भगवान का दया कृपा उनको तो उसको आसानी से तो हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन आर तार तिरस्कार बोली आमा दिव के नाना प्रकार जातना दिए, जब वो तिरस्कार कहते हैं कहीं दुख कष्ट हो जाता ना, फिर भगवान को सारे दोष देना शुरू कर देते हैं, भगवान ने ऐसे कर दिया, भगवान ने ऐसे कर दिया भगवान, लेकिन जो भगवान ने आनंद दिया सुख दिया उसको तो भगवान कुछ बोला नहीं है, हाँ मैंने किया मैंने किया, सब कुछ मेरा द्वारा हुआ है, यहाँ इतना जो कुछ किया है मेरा द्वारा हुई है, मैंने सारे काम को किया, लेकिन भगवान को कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी जब थोड़ी दुख कष्ट आ जाए ना, भगवान हमारे साथ में ऐसे क्यों किया ठाकुर जी ऐसे क्यों किया, फिर उसको ऊपर तरह तरह का हम दुख हाँ आरोप करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर कहते हैं यातना दे तार तिरस्कार गुरु हमारे यातना दे दे मायार ए दंड भगवान कृपा प्रसाद लाभ करिवार उद्देश्य ही बीत है बोलिया ताहा वो भक्तगण आदर करें ताहा अम्लान बदने सहिष्णुतर सहित भगवत कृपा बोलिया ग्रहण करे, यहाँ पर कह रहे मायार यही दंड हाँ? संसार में जो जीव दुख कष्ट भोग करते हैं मायार दंड भगवान कृपा प्रसाद लाभ करवा उद्देश्य ही बीता है, भगवान संसार में दंड क्यों देते हैं, क्यों फिर दुख कष्ट आता है, दंड क्यों देते हैं, दंड देने का यही कारण है भगवान के कृपा पाने के लिए, अगर भगवान सुख सुख दे देते ना, ये जीव भगवान को बुलाता नहीं, ये जीव फिर भगवान भजन नहीं करेगा, इसलिए कुंती कहती है बोले प्रभु जो चार ही तरह का व्यक्ति है ना तेरे भजन नहीं करेंगे, बोले कौन कौन है, बोले जन्म ऐश्वर्य शुद्ध श्री, उच्च कुल में अगर जन्म हो जाए, ज्यादा पैसा मिल जाए हैं, ज्यादा ज्ञान मिल जाए, थोड़ी सी चमड़ा सुंदर हो जाए, कहते प्रभु ये चार तरह का व्यक्ति तेरे भजन नहीं करेंगे, तेरे भक्ति ये चार तरह का व्यक्ति नहीं करेंगे, बोले हमारे किसी कमी है, हम भगवान के भजन हरि हरि करने जाए कोई जरूरत है, इसलिए भगवान कभी कभी कहते जैसे अब अनुग्रह हरि से तब धनौसने, भगवान कहते जो मैं जिसको कृपा करता हूँ उसका आसक्ति धन को मैं हरण कर लेता हूँ, तद अधनम त्यजन्ति अत्र सजन दुख दुविधा, कहते देखना संसार में तब तक तुम्हारी बाहवा देंगे जब तक तुम्हारे मेरे पास में पैसा होगा, प्रभु जी कहते आप कैसे हो, तो जेब में पैसा हो पैसा गन आप कौन, आप कौन मनी गन आप कौन, पैसा गन आप कौन है, इसलिए भगवान कहते हैं जब तक पैसा रहेगा ना चारों तरफ तुम्हारे सब लोग घूमे रहेंगे, हाँ बाबू जी कैसे हो क्या कर रहे हो, क्योंकि आपको नहीं तुम्हारे पास में जो पैसा है ना वो पैसा को आदर कर रहे हैं, वो पैसा को बोल रहे बाबू जी आप कैसे हो, वो थोड़ी सी कम हो जाए ना दूर से देखा वो आ रहा है वो मुंह घुमा कर चले जाएंगे, कुछ मांग नहीं बैठे ये कुछ मांग नहीं बैठे घूम फिर, इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि संसार में जो भगवान दुख देते हैं
इसलिए कुंती को जब भगवान बोले बर मांगो तो उन्होंने अपना झोली फैला करके बोले प्रभु विपत संतु में साक्षात तत्र तत्र जगत गुरु, अगर मेरे झोली में कुछ देना चाहे तो हमें विपत्ति दे दो हैं, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई, और जो सुख में जो सुमिरन करे दुख को आए। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर भगवान जो दुख कष्ट दे रहे हैं ये भगवान की दया है, ठाकुर जी की ये दया है, प्रसाद है। इसलिए भगवान कृपा प्रसाद लाभ करिवार उद्देश्य विहित है बोलिया ताहो भक्तगण आदर करे। क्यों भगवान दुख का आदर करते हैं जानते, इससे ही जीव का अंदर में दीनहीन है दीनता बनी रहती है, अभिमान इसमें नहीं आते, बोलो भगवान की कृपा ही है दिन दुख कष्ट। इसलिए भगवान भक्त इसको ग्रहण करते हैं। तहा अम्लान बदने सही स्नुतार सहित भगवत कृपा बोलिया ग्रहण करें। कहते अम्लान बदन मतलब दुखी नहीं हो करके, दुखी नहीं हो करके भगवान का कृपा बोल करके इसको ग्रहण करते हैं। जहारा सांसारिक अमंगल के भगवान ने दया बलिया बुझते ना पारेन, तहारा पुनराय जगत उन्नति सुख प्रभुति अन्वेषण करते गया परिचित निष्फलता लाभ करें। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जो लोग संसार का अमंगल को भगवान की दया बोल करके समझ नहीं पाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, संसार का अमंगल को जो दया नहीं समझते हैं वो लोग पुनराय जगत उन्नति, वो क्या चाहते हैं संसार में जितने में उन्नति कर सकता हूँ ना उतना ही अच्छा है, इसलिए सुख प्रवृत्ति अन्वेषण करते किए, फिर वो जीव संसार में सोचता है नहीं और कैसे सुख प्राप्त करूंगा और कैसे सुख प्राप्त करूंगा, करते 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 लास्ट में निष्फल हो जाता है, क्योंकि जिसने ये दुनिया को बनाया वो स्वयं कहता है दुखालयम शाश्वत, खुद ही बताया ये दुख का मैंने घर बनाया है, इसलिए दुख का घर बनाया, जीव को पता चले दुख है पर दुख होगा तो फिर सुख पाने के लिए जाएगा, सुख तो मेरे चाहिए। इसलिए भक्त कहते हैं अशोक भाई अमृता धार तुम्हारा चरण दोय, ताहा से खन विश्राम लभिया छाड़ी नो भावे रहा। जो भक्त ठाकुर कीर्तन में कहते हैं प्रभु अशोक अभय अमृत, तुम्हारे जो चरण में अशोक यहाँ शोक नहीं, अभय यहाँ डर नहीं, अमृत यहाँ अमृत है, कहाँ पर बोले तुम्हारे चरण में ही है। अशोक अभय अमृत आधार, आधार मतलब जहाँ से ही वो सब यही तीन चीज यहाँ से मिलती हैं। कहते एखन विश्राम लभिया छाड़िनु भवर भय, अभी उसके चरण में जब हमने विश्राम हमने लाभ किया है, अभी संसार का हमारे क्योंकि कोई डर भय नहीं, अभी कोई डर भय नहीं। इसलिए भक्तों ठाकुर शरणागति कीर्तन में बहुत अच्छी 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 उन्होंने भजन में अच्छी अच्छी बात प्रभु ये बताए, बोले प्रभु अभी तक तो हम अपने आप को सब समझता था करने वाला मैं हूँ, मैं ही करूँगा मैं ही सब कुछ करूँगा, इसलिए संसार में दुखी था, लेकिन अब प्रभु मेरे में आनंद ही आनंद है। बोले क्यों आनंद है, बोले कारण है तुम्हारे चरण में हमने सब सौंप दिया, बोले तुम्हारे चरण में हमने सब कुछ हमने सौंप दिया है तुम्हारे चरण में, तुम जिसको रक्षा करने वाले तुम जो खिलाने वाले पिलाने वाले फिर हमारी क्यों चिंता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने एक उदाहरण दिया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक उदाहरण दिया, जिन्नी रखे मेहतारी, यह याद है जिन्नी माता रखे मेहतारी, मेहतर मतलब होता है जैसे माँ, जिन्नी बालक रखे मेहतारी, जिन्नी बालक रखे मेहतारी, जैसे कि माँ एक अपना बच्चे को रक्षा करती हैं, भगवान भी ऐसे ही अपना भक्तों को रक्षा करते हैं। जैसे कि बच्चे को देखो वो खाने पीने के लिए कोई सोचता नहीं, मैं कैसे खाऊंगा कैसे रहूंगा क्या, बच्चा मस्ती होकर खेलता रहता है, वो मस्ती से खेलता है, उसको खाने पीने का कोई चिंता नहीं। बोले क्यों, बोले पिता माता है ना, देखने वाला तो वही है, वो उसको ऊपर निर्भर है, अगर भले ही पिता माता कभी भूखे रह जाए लेकिन बच्चे को कोई भूखे नहीं रखेंगे। जैसे बच्चा जल्दी जल्दी सो गया लेकिन मैयारी खाना बनाई है,
अब देखना जब तक वो बच्चे को उठाकर खिला नहीं देती है माँ भोजन नहीं करे, वो नहीं कर सकती। भैया भले ही बोल तुम खा लो, बोले नहीं जब बच्चा नहीं खाया हमें कैसे भोजन कर, और उठेगा नहीं ना, उसको जोर करके उठा करके खिला करके भैया मेरे खाना खाती। उसी तरह जीना बालक राखे मैं तारी, जैसे माँ एक बालक को रक्षा करती है, उसी तरह भगवान भी अपना शरणागत भक्तों को रक्षा करते हैं। अपना शरणागत भक्तों को भगवान रक्षा करते हैं। भगवान भले ही भूखे रह जाएंगे, लेकिन जब तक अपना भक्तों को नहीं खिलाएंगे ठाकुर जी भोजन नहीं कर सकते। पहले भक्तों को खिलाएंगे, फिर जाकर भगवान खाएंगे। क्यों? वो उसका आस आस लगाकर वही बैठा हुआ है, उसका आस लगाकर तो बैठा हुआ है, पक्का है। इसलिए ये एक प्रश्न है। और एक प्रश्न है, हमारे व्याधि की, इसका मतलब है हमारी सबसे बड़ा बीमारी क्या है? हमारी सबसे बड़ा बीमारी क्या है? तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, निज सुखार्थ कृष्ण इतर विषय संग्रह ही हमारे मूल व्याधि। जो मेन जो रोग है, कहते जो जीव है, जीव कौन है? बोले जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम भगवान का ही नित्य सेवक है, भगवान का ही दास है, ईश्वर अंश जीव बिना। जो जीव है वो ईश्वर का ही अंश है। जब हम भगवान की अंश है, फिर हमारे क्या कर्तव्य है? केवल एक ही कर्तव्य है, हम भगवान को कैसे सुखी करें, हम भगवान को सुखी कैसे करें, ठाकुर को हम प्रसन्नता कैसे दे, यही केवल एक ही हमारे कर्तव्य। और कोई हमारे का कोई कर्तव्य है ही नहीं, केवल एक कर्तव्य है, हम उनका दास सेवक है, उनको कैसे सुखी करें, उनको कैसे आनंद करें, केवल यही हमारी एक कर्तव्य, हमारे और कोई कर्तव्य नहीं। देखो हनुमान जी को देखो, हनुमान जी को बोले तुम विश्राम करो, जा रहे हो हैं जड़ी बूटी लेने के लिए, थोड़ा विश्राम करो। बोले राम सेवा मेरा विश्राम, भगवान की सेवा मेरा विश्राम है। इसलिए भक्त हर समय हम भगवान को कैसे प्रसन्न, भगवान के कैसे खुशी करें, यही चेष्टा आप में ही लगा रहता है। यहाँ पर ऋषि बलदेव विद्याभूषण ग्रंथ सिद्धांत रत्न बनाया, बहुत सुंदर ग्रंथ है। कहते अगर भक्त दिन भर भगवान को आनंद देने के लिए कोशिश कर, फिर उसका आनंद कैसे मिलेगा? वो तो अपना आनंद के लिए कोई चेष्टा नहीं करता है, वो दिन भर ठाकुर को सेवा, उसको खिलाना, उसको पिलाना, उसको पूजा करना, दिन भर भक्त तो उसकी सेवा में लगा रहता है। ठाकुर का सेवा पूजा कैसे लगे, उसी में ही लगा रहता है। फिर वो तो अपना आनंद ढूंढता नहीं, वो ठाकुर का आनंद। कहते जब भगवान प्रसन्न होते हैं ना, भक्तों का अपने आप आनंद अपने आप मिल जाता है। इस जगत में देखो, जैसे पत्नी ने कोई खाना बनाया, पत्नी ने कोई खाना बहुत बढ़िया खाना बनाया, पति ने उसको सामने अंगुली चाट चाट कर खाया और खूब मुँह में तारीफ किया, क्या तुमने भोजन बनाया एकदम कमाल के भोजन। और जो बड़े प्रसन्न होकर खाता है ना, खुश होता है। देखना खाने वालों को जितने प्रसन्न होता है, जो खिलाने वाले हैं उससे ज्यादा खुश होता है, उसको इतने तारीफ करता है, वो सोचते हैं भैया मेरा बनाना सार्थकता हो गया है, बनाना सार्थकता हो गया। आज पत्ते इतने खुश होकर खाए और इतने पंचमुह में तारीफ किया है। कभी जगत में जब ऐसे होता है, तो उसी तरह जब हम भगवान की सेवा के लिए कोशिश करते हैं, उसको कैसे प्रसन्न करे, उसके कैसे खुश करे। इसलिए वो जब खुश हो जाते हैं ना, भक्त अपने आप उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जगत में चैतन्य महाप्रभु का रूप में कृष्ण क्यों आए? वो इसलिए आए, राधा रानी मेरी सेवा करती हैं, मेरे प्रेम को राधा रानी आस्वादन करती हैं, लेकिन मुझको जितने आनंद मिलता है उससे करोड़ों गुण ज्यादा आनंद, बोले एक दो गुण, दस सौ गुण नहीं, हजार गुण नहीं। कहते मुझे जितने आनंद मिलता है उससे इसको करोड़ गुण ज्यादा आनंद मिलता है। बोले क्या चीज है? राधा रानी के अंदर में, हाँ जो मेरे को आस्वादन करती, उसके अंदर में जो तरह तरह का प्रेम का वैचित्रता देखती है, किलकचित भाव है, कुट्टा है तो मुट्टा है, तो एक भाव को बताया है, जो अद्भुत जो चीज राधा रानी के अंदर में प्रकाशित होता है, दिव्य उन्माद प्रजल्प अभिजल्प, जो दिव्य उन्माद राधा जी का, भैया मेरे को जैसे चीज होता ही नहीं, तो राधा रानी को होता है, ये क्या चीज है? इसलिए इसका आस्वादन करने के लिए कलयुग में
कृष्ण राधा रानी के अंग कांति और उन्होंने उनके भाव को लेकर के इस जगत में महाप्रभु का रूप में आए हैं। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं, कहते हैं निज सुखार्थ जीव का कर्तव्य उनके ही सेवा करे, उनकी भक्ति उनका नाम करे, लेकिन जीव अभी क्या कर रहा है, वो भगवान की सुख छोड़ भगवान की प्रेम को छोड़ करके खुद कैसे सुखी होगा, मैं कैसे खुश हूँ। निज सुखार्थ कृष्ण इतर, जिसमें भगवान की प्रसन्नता नहीं है, जिसमें भगवान की प्रसन्नता नहीं, कृष्ण इतर विषय संग्रह ही, जो विषय को जो संग्रह, यही हमारे मूल बीमारी है। भगवान को सेवा भगवान की भक्ति छोड़ करके अपना सुख सुविधा को हम ढूंढने लग जाते हैं, तो यही हमारी मूल बीमारी हमारी यही है, है? यही है। इसलिए हमारा विषय रसे आनंद पाई, हमारा की करी जो संसार का जो विषय रस में हमको बड़ा आनंद मिलता है, विषय रस आनंद, किंतु सकल विषय रे सर्वश्रेष्ठ विषय जे कृष्ण तार नामे तार सेवाए हमारा आनंद पाई ना एमनी हमारे दुर्दैव। तो प्रभुपाद कहते हैं ये बड़ा दुख का विषय है, बोले दुख का विषय क्या है, बोले भगवान कौन है, बोले भगवान रस विषय है, भगवान रस का स्वरूप है, भगवान अखिल रसामृत मूर्ति, भगवान सारे रस का परिपूर्ण मूर्ति स्वरूप भगवान है, सारा आनंद उसके चरण में, क्योंकि सारा आनंद उसके चरण में, लेकिन इन हम लोग क्या करते हैं, लेकिन संसार का विषय में डूब करके हम आनंद को पाना चाहते हैं, लेकिन सकल विषय सर्वश्रेष्ठ विषय कृष्ण, कृष्ण कौन है, सबका मूल कारण का कारण भगवान ही है, सारी दुनिया का मालिक वही है, हैं? लेकिन वही है तार नामे तार सेवे तार नाम उसको हैं? कहते उसको नाम में और उसको सेवा में हमको आनंद नहीं लगता है, ये यही हमारी दुर्दैव, यही हमारी बीमारी है, अपना सुख अपना विषय भोग में ही हम डूबना चाहते, उसमें आनंद बनना चाहते, लेकिन आनंद उसमें ही नहीं। ये बोले अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, हैं? अतः अतः ब्रह्म जिज्ञासा, अतः मतलब हम जीवन में आनंद ढूंढते हैं, लेकिन कहाँ ढूंढते हैं, जहाँ आनंद नहीं, आनंद क्यों नहीं मिलता, बोले जहाँ आनंद रस है हम वहाँ नहीं ढूंढ करके, कहाँ पर हम गलत जगह पर आनंद को, गलत जगह पर हम आनंद को ढूंढते हैं, इसलिए हमें आनंद नहीं मिलता। इसलिए मिलेगा कैसे, ब्रह्म जिज्ञासा, जब हम भगवान की शरण में जाएगी तभी आनंद हमें तभी प्राप्त होगा। इसलिए पितर रोगीर जवान मिश्री भाला लगे ना, एक उदाहरण देते हैं, जिसको जडिस का बीमारी हो जाए, पिलिया बीमारी हो जाए, उसको मिश्री भी दो ना, वो भी उसको कड़वा लगे, क्योंकि उसको जब बीमारी का हो गया, उसका जडिस का बीमारी हो गई, अभी उसको सब कुछ तक उसको सब कड़वा लगेगा, तो बीमारी हो गई उसकी, हैं, पीलिया बीमारी हो गई। कहते पितर वगैरह जीवन मिश्री भाला लगे ना, हरि विमुख विषासक्त आमादरे वो तद्रूप परम मधुर कृष्ण नाम कृष्ण सेवा रुचिकर है ना। हम लोग अभी हरि विमुख हो गए, सबसे बड़ी बीमारी क्या, हम भगवान को भूल गए, ठाकुर जी को भूल गए, इस जगत में सबसे बड़ी बीमारी यही है। कृष्ण का जो नाम बड़ा मधुर है, जो बड़ा मीठा है, लेकिन वही हमें रुचिकर नहीं होता है, वही अच्छे नहीं लगते। शरीरे विष क्रिया हैले मधुर हो तित लागे, शरीर में जो विष क्रिया हो जाता है, हैं? क्या हो जाता है, इसलिए मीठा हो उसको कड़वा लगने लग जाती, क्योंकि हमारे अंदर में ही बीमारी हो गया है। इसलिए मिश्री पितर वगैरह औसत, जो पितर हो गया, जो जल्दी से हो गया, पहले इतना दवा नहीं होता था, डॉक्टर बोलते थे देखो मिश्री चूसा करो, मिश्री तो तुम्हें अभी मीठा नहीं लगी, क्योंकि अभी तुमको पितर हो गए, फिर क्या करो, उसको चूसते रहो, मिश्री मीठा नहीं लगने पर भी जोर जबरदस्त मिश्री को चूसते रहो, चूसते, क्योंकि मिश्री खाते खाते पितरों को शरीर ले जीवन मिश्री मिष्ट बोध है,
जैसे मिश्री चूसते 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 जब तुम्हारे पित्त बीमारी खत्म हो जाएगा फिर क्या होगा, मिश्री तुम्हें मिठाई में फिर लग जाएगी। तद्रूप इच्छाए अनिच्छाए कृष्णा कृष्ण सेवा करते करते ही बहिर्मुखता कमीबे। यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि तुम्हारी इच्छा नहीं रहने पर भी, तुम्हारी इच्छा नहीं रहने पर भी क्या करो, कृष्ण सेवा करो भगवान का नाम है? करते 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 धीरे 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 हमारे जो बहिर्मुख जो भाव है धीरे 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 वो खत्म होते जाएगा, खत्म होते जाएगा। बहिर्मुखता कमी बे विषय शक्ति काटी बे, जो विषय में जो हमारी आसक्ति है वो भी कट जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। तखन भगवत सेवा और माधुर्य अनुभव होगी, तभी भगवत सेवा का माधुर्य हमें अनुभूति होगा। तखन ये कृष्ण नाम मधुर्य स्वतः ही प्रकाशित हिया हमारे के चिन्मय इंद्रिय समूह द्वारा चिन्मय विषय विग्रह सेवाएं नियुक्त करे। जब जब सब जब भगवत माधुर्य अनुभूति होगा तब क्या होगा, तब कृष्ण नाम माधुर्य स्वतः ही, कृष्ण नाम में जो रस है वो स्वतः ही वो प्रकाशित होकर के हम लोगों को चिन्मय इंद्रिय समूह द्वारा चिन्मय विषय विग्रह सेवा नियुक्त करे। भगवान की जो सेवा भक्ति वो क्या है, वो चिन्मय है आनंदमय रस स्वरूप है। कहते भगवान की भक्ति करते 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 धीरे धीरे हमारी जो इंद्रियां हैं वो धीरे धीरे इंद्रियां भी भगवत चिन्मय तो प्राप्त करेगा, सत चित आनंदमय प्राप्त करेगा और फिर विषय विग्रह सेवा नियुक्त करेगा। जो भगवान जो विषय विग्रह है और उसी में हमें धीरे 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 हम उसमें लगा लेंगे। इसलिए क्या करनी चाहिए, हमें भगवान की भक्ति धीरे धीरे अच्छी नहीं लगने पर भी हमें धीरे 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 भगवान का नाम कीर्तन भजन हमें करनी चाहिए। करते 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 बाहर बढ़िया आनंद ही आनंद आ जाए। ठीक है, निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि हरे कृष्णा हरे कृष्णा।